दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड के वन ऑफ द बेस्ट सक्सेसफुल एक्टर कार्तिक आर्यन की ऑल मूवी वर्डिक्ट के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले हम बात कर लेते हैं कार्तिक आर्यन की डेट ऑफ बर्थ के बारे में। तो कार्तिक आर्यन का जन्म 22 नवंबर 1990 को ग्वालियर मध्य प्रदेश में हुआ था और दोस्तों 2023 के हिसाब से कार्तिक आर्यन 32 वर्ष के हो चुके हैं। अब बात करते हैं इनकी मूवी के बारे में। तो कार्तिक आर्यन की पहली फिल्म साल 2011 में रिलीज हुई थी और इस फिल्म का नाम था प्यार का पंचनामा। दोस्तों, इस फिल्म में कार्तिक आर्यन के साथ सन्नी सिंह और नुसरत भरूचा नजर आए थे और इस मूवी का बजट सिर्फ 10 करोड़ रुपए था। दोस्तों, इस फिल्म ने 17 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था और कार्तिक आर्यन की पहली फिल्म एवरेज रही थी। इसके बाद कार्तिक आर्यन की दूसरी मूवी 2 साल बाद यानी कि साल 2013 में रिलीज हुई थी और इस फिल्म का नाम था आकाशवाणी। दोस्तों, इस मूवी में कार्तिक आर्यन के साथ नुसरत भरूचा और सनी सिंह ही नजर आए थे और दोस्तों इस मूवी का बजट 10 करोड़ रुपये था और इस मूवी ने सिर्फ 2 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था और कार्तिक आर्यन की दूसरी मूवी एक फ्लॉप रही थी। इसके 1 साल बाद साल 2014 में कार्तिक आर्यन की तीसरी फिल्म रिलीज हुई और इस फिल्म का नाम था कांची द अनब्रेकेबल। इसमें कार्तिक आर्यन के साथ मिष्टी चक्रवर्ती और मिथुन चक्रवर्ती नजर आए थे। दोस्तों, इस मूवी का बजट करीबन 25 करोड़ रुपये था और इस मूवी ने करीब 5 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया और कार्तिक आर्यन की तीसरी मूवी भी फ्लॉप रही थी। इसके बाद साल 2015 में कार्तिक आर्यन की प्यार का पंचनामा 2 मूवी रिलीज हुई। दोस्तों, इस मूवी में कार्तिक आर्यन के साथ सनी सिंह और नुसरत भरूचा नजर आए थे। इस मूवी का बजट करीबन 22 करोड़ रुपये था और दोस्तों इस मूवी ने करीबन 88 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था और दोस्तों कार्तिक आर्यन की पहली सुपरहिट मूवी थी। इसके बाद साल 2017 में कार्तिक आर्यन के गेस्ट इन लंदन मूवी रिलीज हुई। दोस्तों, इस मूवी में कार्तिक आर्यन के साथ परेश रावल और कृतिक खरबंदा नजर आए थे। दोस्तों, इस मूवी का बजट करीबन 28 करोड़ रुपये था और इस फिल्म ने करीब 11 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था और दोस्तों यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर एक फ्लॉप रही थी। इसके 1 साल बाद साल 2018 में कार्तिक आर्यन के सोनू की टीटू की स्वीटी मूवी रिलीज हुई। दोस्तों, इस मूवी में कार्तिक आर्यन के साथ सनी सिंह और नुसरत भरूचा नजर आए थे। दोस्तों, इस मूवी का बजट करीबन 40 करोड़ रुपये था और इस फिल्म ने 152 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था और यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक ब्लॉकबस्टर रही थी। और दोस्तों, यह मूवी कार्तिक आर्यन के पहले 100 करोड़ के क्लब में शामिल होने वाली मूवी भी थी। इसके बाद साल 2019 में कार्तिक आर्यन की लुका छुपी मूवी रिलीज हुई और दोस्तों इस मूवी में कार्तिक आर्यन के साथ कृति सनन और पंकज त्रिपाठी नजर आए थे। दोस्तों, इस मूवी का बजट करीबन 25 करोड़ रुपये था और इस मूवी ने करीबन 128 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर एक सुपरहिट रही थी। इसके बाद साल 2019 में कार्तिक आर्यन की एक और फिल्म रिलीज हुई और इस फिल्म का नाम था पति पत्नी और वो। दोस्तों, इस मूवी में कार्तिक आर्यन के साथ भूमि पडनेकर और अनन्या पांडे नजर आए थे। दोस्तों, इस मूवी का बजट करीबन 28 करोड़ रुपये था और इस फिल्म ने करीब 117 करोड़ का कलेक्शन किया था और यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक सुपरहिट रही थी। इसके बाद साल 2020 में कार्तिक आर्यन की लव आजकल 2 मूवी रिलीज हुई। इस मूवी में कार्तिक आर्यन के साथ सारा अली खान और रणदीप हुड्डा नजर आए थे। दोस्तों, 40 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने करीबन 52 करोड़ का कलेक्शन किया था और यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक एवरेज साबित हुई थी। इसके बाद साल 2021 में कार्तिक आर्यन की धमाका मूवी रिलीज हुई। दोस्तों, इस फिल्म में कार्तिक आर्यन के साथ मृणाल ठाकुर नजर आई थी। दोस्तों, इस मूवी का बजट करीबन 35 करोड़ रुपये था और यह मूवी OTT पर रिलीज हुई थी। इसके बाद साल 2022 में कार्तिक आर्यन की भूल भुलैया 2 मूवी रिलीज हुई। दोस्तों, इस मूवी में कार्तिक आर्यन के साथ कियारा आडवाणी नजर आई थी। दोस्तों, इस मूवी का बजट करीबन 70 करोड़ रुपये था और इस मूवी ने 266 करोड़ का कलेक्शन किया था और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर एक ब्लॉकबस्टर रही थी। तो इन सब मूवी में से कार्तिक आर्यन की आप कौन सी मूवी फेवरेट है मुझे कमेंट करके जरूर बताना और अगर आप भी कार्तिक आर्यन के फैन हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा।